और ये अगली खबर बंबई से आ रही है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने डेड बॉडी मैनेजमेंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार से कुछ तीखे सवाल यहां पर किए हैं। हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया, बीजेपी विधायक आशीष शेलार की कोविड मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार में बरती जा रही लापरवाही को लेकर दायर की गई PIL के बाद आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन 10 मामलों में भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जब 10 शवों का परिवार वालों को बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिशा यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। दिशा, कुछ तीखे सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पर डेड बॉडी मैनेजमेंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार से पूछे हैं, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये पूरा जो पिटिशन है वो बीजेपी के आशीष शेलार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल किया था तकरीबन जून के महीने में, जहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों की वो पिटिशन में मांग की। एक तो सबसे पहले जो है कि अगर कोई भी कोविड पेशेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर की लापरवाही से उनकी अगर जान जाती है तो वो फैमिलीज़ को कंपेंसेट करना चाहिए। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल्स में, अगर हम महाराष्ट्र में बात करें, मिसमैनेजमेंट काफ़ी हो रही है डेड बॉडीज़ को लेके, तो या तो डिस्पोज प्रॉपरली नहीं हो पा रही है या काफ़ी समय तक, काफ़ी दिन तक वहीं की वहीं रहती है। तो ये सारे दो उन्होंने काफ़ी 10 इंस्टेंसेस भी उनके पेटिशन में लिखे थे अक्रॉस महाराष्ट्र में, जहाँ पर काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऐसी लापरवाही हुई थी। और उन्होंने यही अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये सारे 10 जो इंस्टेंसेस है उसके जवाब मांगा है। जी शुक्रिया दिशा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि ताज़ा तरीन खबरें आप mirrornownews.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।